ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ओम श्री शनिश्चराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। सभी जीवन में सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी उन्नति करें, किसी को दुख तकलीफ कष्ट न हो, इस भावना के साथ आज हम ज्योतिष में विचार करेंगे। शनि षष्ठ भाव में, शनि जब शत्रु स्थान छठे भाव में होता है तो जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विचार करने जा रहे हैं। शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत हैं, जो भी बताया गया है आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। छठे भाव में शनि के प्रभाव से जातक महाबली होता है, बलशाली होता है, बाजुओं में ताकत होती है। ऐसे जातक न्याय वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे योद्धा होते हैं। ऐसे जातक प्रगल्भ वक्ता होते हैं, बोलने में कुशल होते हैं, तर्क कुशल होते हैं। मामा के सुख में कमी होती है तथा दूध देने वाले पशुओं का पालन करने से इनको लाभ होता है, उन्नति प्राप्त करते हैं। जीवन की पूर्वायु में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये समृद्ध होते हैं किंतु किसी दुख से पीड़ित भी होते हैं। इनके शत्रुओं का सदा नाश होता है। अक्सर देखा गया है कि छठे भाव में शनि होने पर दीर्घकालिक रोग जो हैं जातक को होते हैं। वृश्चिक राशि या धनु राशि में शनि यदि छठे स्थान में हो तो कष्ट होता है, ज्यादा कष्टदायक होता है, रोगदायक शनि होता है। आगे हम शनि के प्रभाव के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले ध्यान दें, कोई भी उपाय अपनी तरफ से न करें, किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर अथवा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, फिर ही कोई उपाय करें। और उसके बाद ग्रह जो है कभी कभी एक अगले भाव का फल दे देता है या पिछले भाव का फल दे देता है। अगर आपको लगे कि फल आपसे मैच नहीं हो रहा तो निश्चय ही ग्रह जो है अपना भाव बदल चुका है, तो या तो पंचम भाव के शनि का फल भी देखें या सप्तम भाव के शनि का भी फल देखें, क्योंकि जन्मपत्री की कैलकुलेशन से यह पता चलता है कि ग्रह कौन से भाव का फल दे रहा है, तो उसके अनुसार भी विचार करना चाहिए। इसी कारण से बहुत सी भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं, लोगों का ज्योतिष से विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं उन्हीं देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं, फलादेश कर देते हैं, जो गलत हो जाता है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन से कुछ कुंडलियां और बनती हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि ग्रह कौन से भाव का फल दे रहा है। तो यदि कुंडली में शनि और मंगल की युति छठे स्थान में हो तो ऐसा जातक बहुत सी विदेश यात्राएं करता है, अक्सर विदेश में ही रहता है। छठे भाव में शनि जो है उल्टी दृष्टि से भाव दो को देखेगा, चाहे वहां शुक्र हो उसे भी डंक मारेगा, उसे भी मंदा करेगा, अर्थात दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को छठे भाव का शनि जो है वो मंदा कर देगा। रोमकूप से यदि दो बाल एक साथ निकलते हों तो ऐसे में जातक बुद्धिमान होगा, हुनरमंद होगा, कारीगर होगा। शनि मंदा तब होता है जब किसी शत्रु राशि में बैठ जाए या
शनि से पहले घरों में यदि राहु हो तो शनि निश्चय ही मंदा होता है, और यदि शनि से पहले घरों में केतु हो तो शनि निश्चय ही अच्छा फल देता है। शनि की मंदी हालात का पता जो है शनि की चीजों से पता चलेगा, जैसे चमड़े के जूते गुम हो जाना, लोहे के खिलौने गुम हो जाना, यह शनि के मंदे होने की निशानी होगी। जब जब वर्ष फल में शनि छठे भाव में आएगा उस समय शनि की चीजें खरीदने की जरूरत होगी, और खरीदने पर मंदा हाल होगा और सरकारी कार्यों में भी समस्या पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि जरूरी हो शनि की वस्तु खरीदना तो शनि के साथ केतु की वस्तु भी खरीदना चाहिए। जातक यदि मदिरा पान करे, शराब आदि का सेवन करे तो शनि छह में आने पर वर्ष फल में और जातक नया मकान बना ले ऐसी स्थिति में तो उसके लिए सरकारी कार्यों में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, सरकार की तरफ से कोई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शनि की चीजें जैसे चमड़े की वस्तु घर आने पर बुरा असर होगा। शनि जो है अंध राते का सांप होगा, दिन में शनि का कार्य जो किया जाएगा वो मंदा होगा, किंतु रात को जो शनि का कार्य किया जाएगा उसका शुभ फल होगा। तो यहाँ केतु होगा वहीं सर्प की फुकार होगी। तो ये विशेष प्रभाव है शनि का छठे भाव में कि शनि के जो भी कार्य करने हैं वो रात्रि के समय किए जाएं या अमावस्या की रात्रि को किए जाएं। शनि दो के ग्रह को ऐसे देखेगा जैसे क्रोध में सांप जो है डंक मारने के लिए देखता है। वर्षफल में शनि जब शुभ भाव में आए तो बरकत करेगा, बुध केतु का फल जो है वो भी मंदा नहीं होगा। यदि शनि बुध केतु को मंदा करेगा तो उसके उपाय जो हैं वो करने चाहिए। शनि 28 वर्ष से पहले यदि जातक की शादी हो जाए, जब शनि छठे भाव में हो तो ऐसी स्थिति में यदि जातक की शादी 28 वर्ष से पहले हो जाए तो बुध शुक्र चंद्र तीनों ग्रह जो हैं वो मंदे हो जाएंगे। माता पत्नी बहन पर मंदा असर होगा। 34 से 36 वर्ष तक की आयु में विशेष मंदा फल जातक को देखना पड़ेगा। यदि जातक 28 वर्ष की आयु के बाद शादी करे तो उसका कुल जो है वो बढ़ जाएगा, कुल आगे वृद्धि प्राप्त करेगा, संतान सुख उत्तम होगा, माता पिता धन दौलत अकल हुनर सब में बरकत होगी। जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में राहु तीसरे या छठे भाव में उच्च का हो तो मंदा समय 42 वर्ष तक होगा। शनि नेक प्रभाव देगा, शनि जो है वो शुभ फल प्रदान करेगा। केतु दसवें भाव में या बारहवें भाव में हो तो गुरु जो है वो बुध का फल देगा, संतान सुख में बरकत होगी। और यदि सूर्य कुंडली में बारहवें भाव में हो तो शुक्र आवाद होगा, स्त्री सुख की पूर्ण प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। मंदा शनि जो है जब षष्ठ भाव में बैठ जाए तो यदि जातक को जान से न मारे तो कम से कम उसके शरीर को जकड़ कर उसे दुख अवश्य देगा। शनि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा गुरु के फल को जरूर खराब कर देगा। ऐसी स्थिति में नारियल बादाम दरिया में बहाना उत्तम रहेगा। इसके लिए शनि को शुभ करने के लिए शनि के उपाय अवश्य करें। नया लोहा खरीदना अशुभ रहेगा, चमड़े की वस्तु को खरीदना भी अशुभ रहेगा। शनि को शुभ करने के लिए उपाय करते 36 से 39 वर्ष की उम्र में
मकान बनाना उत्तम होगा, परंतु 39 से 48 वर्ष की आयु में केतु की आयु में मकान बनाना जो है वो अशुभ रहेगा। अतः शनि छठे भाव वाले जातकों को 36 से 39 वर्ष की आयु में मकान बनाना उत्तम रहेगा। सर्प की सेवा से संतान सुख की प्राप्ति होगी। केतु की बर्बादी को रोकने के लिए काला कुत्ता पालना चाहिए या सरसों आदि राहु की चीजें जो हैं वो कायम करनी चाहिए। राहु की चीजें जातक की सहायता करेंगी, उन्नति करेंगी। मंगल यदि कुंडली में भाव दो में हो तो ऐसी स्थिति में बड़ा भाई, ताया, मामा की आंखें जो हैं उनकी दृष्टि जो है वो कमजोर होगी। इनको नेत्र रोग हो सकता है। मामा, भाई, ताया को नेत्र रोग की संभावना रहेगी। राहु यदि कुंडली में भाव एक में हो तो मामा को 21 वर्ष की आयु में आंखों का कोई रोग हो सकता है, आंखों से दिखना कम हो सकता है। यदि कुंडली में राहु पहले भाव में हो ऐसी स्थिति में 21वें वर्ष की आयु में मामा को नेत्र रोग हो सकता है। 4 या 10 भाव में बुध, शुक्र, राहु हो या दूसरे भाव में बुध हो या शनि के साथ बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल हो तो ऐसी स्थिति में जातक को सिर पे चोट लगने की संभावना रहेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में जातक को जासूसी की आदत भी होगी। घर में रोटी बनाने के लिए मिट्टी का तवा या तंदूर दुर्भाग्य के लक्षण होंगे। जातक ऐसी स्थिति में मंदभाग्य होगा। शुक्र कुंडली में दो में हो तो शुक्र की चीजें गायें, बैल, पत्नी पर मंदा असर होगा। मंदा प्रभाव यहाँ पे शनि देगा, धन हानि करेगा, स्त्री की सेहत में कमी आएगी। यदि धन भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा की चीजें पर मंदा असर होगा, माता को कष्ट होगा। विशेष रूप से राहु जब मंदा हो या अष्टम भाव में हो, शयन कक्ष में मिट्टी की कुजी में लाल ज्वार रखने से धन में बरकत होगी और शुक्रवाद होगा। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसे तालाब या दरिया के पानी में के नीचे दबाना शुभ रहेगा। जहां बर्तन पानी में छिपा रहे ऐसे स्थान पर मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर बर्तन को दबाना चाहिए। कुंडली में भाव दो यदि खाली हो तो शनि के कार्य अमावस्या की रात को करें या शनि की वस्तुएं जो हैं वो अमावस्या की रात को खरीदें। कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो ऐसी स्थिति में रात को करें। रात अंधेरी हो, चंद्रमा का प्रकाश भी न हो, अर्थात अमावस्या की रात में शुभ कार्य करना शुभ रहेगा। ऐसे जातक जो हैं पुराने लोहे के काम से लाभ प्राप्त करते हैं, कबाड़ के काम से लाभ प्राप्त करते हैं। कोई पुराना कारखाना, फैक्ट्री आदि लेकर यदि उसको चलाएं तो उसमें उनको लाभ होता है, अर्थात जातक को पुराना लोहा जो है वो लाभ देता है। पुरानी गाड़ियों का भी, कारों का भी व्यवसाय किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि शनि के छठे भाव में होने पर छोटा भाई भी जातक का शत्रु बन जाता है, उससे भी परेशानी हो जाती है। छठे भाव का शनि जो है जातक को दीर्घकालिक रोग से ग्रस्त रखता है। ऐसा कोई रोग हो सकता है जो लंबी अवधि तक रहे या अपंगता जैसा कोई रोग जातक को हो जाता है। अक्सर जातक की टांगों के ऊपर ग्रह रहता है और टांगे जो हैं बेकार हो सकती हैं। किसी रोग के कारण टांगे लातें बेकार हो सकती हैं। एक्सीडेंट में टांग टूटने का भय रहता है या किसी रोग के कारण ऐसी स्थिति होती है। यदि जातक शराब का सेवन करे, झूठ बोले, मंदा बोले तो उसे धन कष्ट होगा, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चमड़े की वस्तु का उपयोग जातक को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे मंदा होगा, शनि मंदा होगा। चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट आदि का उपयोग न करें।
और भी किसी तरह का चमड़े की वस्तु जातक को उपयोग नहीं करनी चाहिए। दूसरे घर के ग्रहों की वस्तुओं का उपयोग करने से भी जातक को हानि उठानी पड़ेगी। यदि दूसरे भाव में सूर्य है तो सूर्य की वस्तुओं का उपयोग न करें। यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा की सफेद वस्तुओं का उपयोग न करें। मंगल है यदि दूसरे भाव में तो मंगल की वस्तुओं का उपयोग न करें। दूसरे भाव में बुध या गुरु या अन्य कोई ग्रह है तो उसकी वस्तुओं का उपयोग जातक को नहीं करना चाहिए। उन ग्रहों का कोई व्यापार कोई कारोबार भी जातक को नहीं करना चाहिए। जो ग्रह दूसरे भाव में हो उससे जातक को हानि और नुकसान होता है। 28 साल की आयु के बाद उम्र के बाद शादी करने पर जातक को संतान सुख उत्तम मिलता है। संतान सुख में वृद्धि होती है, मन चाही संतान जातक प्राप्त करता है। सूर्य चंद्र मंगल का यदि शनि को साथ हो जाए या शुक्र या राहु चतुर्थ भाव में हो तो ऐसी स्थिति में अकाल मृत्यु की संभावना रहती है, सिर में चोट लगने की संभावना रहती है। ऐसे योग में जातक को चाहिए कि वाहन आदि धीरे चलाएं, सीट बेल्ट आदि का उपयोग करें और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। शनि की वस्तुओं को खरीदने से पहले जातक को केतु की वस्तुएं अवश्य खरीदनी चाहिए, अन्यथा जातक को हानि कष्ट और नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसी निकट संबंधी के विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए शनिवार के दिन, ना ही विवाह में किसी प्रकार की मदद करनी चाहिए, इससे भी शनि जो है वो मंदा हो सकता है। तो षष्ठ भाव का शनि जो है वो दीर्घकालिक रोग जो है वो जातक को देता है। पुराने लोहे के व्यवसाय से जातक को उन्नति देता है, लाभ देता है। दूध देने वाले पशु भैंस गायें आदि से जातक को लाभ होता है, उससे धन में बरकत होती है। चमड़े की वस्तु का किसी भी प्रकार से उपयोग न करें। कोशिश करें कि नया लोहा न खरीदें, हो सके तो पुराना लोहा ही खरीदना चाहिए। पुराने चीज़ें ही लोहे की जो भी पुरानी चीज़ हों उनको ही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शनि जो है स्थिर राशि में वृक सिंह वृश्चिक या कुंभ राशि में यदि छठे भाव में हो तो ऐसी स्थिति में हृदय विकार देता है, दिल के रोग देता है, घट सर्प नाम का रोग देता है और गले में विकार पैदा करता है। गले के रोग ऐसी स्थिति में पैदा हो सकते हैं। मूत्रकृच्छ यूरिन संबंधी मूत्र के रोग जातक को हो जाते हैं, खांसी से समस्या होती है और श्वास नलिका दाह के रोग ऐसी स्थिति में स्थिर राशियों में होते हैं। वृक सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि में जातक को ऐसे रोगों की संभावना रहती है। क्योंकि कुंडली में छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है तो अब शनि छठे भाव में राशि के अनुसार रोग देता है। यदि शनि छठे भाव में मिथुन राशि कन्या राशि धनु राशि या मीन राशि में हो तो ऐसी स्थिति में फेफड़ों में विकार पैदा करता है, दमे का रोग हो सकता है, आमाशय के रोग होते हैं और पैरों के रोग जातक को हो जाते हैं। यदि शनि छठे भाव में मेख कर्क तुला और मकर राशि में हो ऐसी स्थिति में पेट के रोग जातक को होते हैं, छाती के रोग से परेशानी होती है और संधिवात आदि रोग से भी जातक को परेशानी होती है। यदि शनि छठे स्थान में तुला राशि में हो तो ऐसी स्थिति में पित्ताशय के रोग होते हैं और यकृत विकार जातक को होते हैं, किडनी के रोग की संभावना जातक को रहती है। यदि शनि छठे भाव में कन्या राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जातक अपंग भी हो सकता है, अपंगता
रोग हो सकता है, पैरों से अपंग हो सकता है और अन्य रोग जातक को हो सकते हैं। तो कन्या राशि में शनि जो है छठे भाव में दीर्घकालिक रोग देता है, अपंगता आदि रोग देता है। तो शनि को उपायों के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। तो किसी मिट्टी के बर्तन में तेल भरकर ऊपर से ढक्कन बंद करके उसे चलते पानी के नीचे दबाना चाहिए, या कुएं में भी फेंका जा सकता है। तो शनि को शुभ करने के लिए अन्य उपायों पर भी हम चर्चा करते हैं। यदि मानसिक परेशानी रहती हो तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सिर के ऊपर लगाना चाहिए, इससे मानसिक परेशानी दूर होती है। शनिदेव को यहाँ अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। मैं कहूँगा कि छठे भाव में जिनका शनि है वो शनिदेव की उपासना, शनिदेव को प्रसन्न अवश्य करें, अन्यथा उनको कष्टों की संभावना रहती है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए या घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे शनि देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। शनिवार का जातक को व्रत रखना चाहिए, कथा सुननी चाहिए शनिवार की और शनि देव को साबुत महा की दाल के लड्डू बनाकर शनि देव को भोग लगाना चाहिए, इससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, इससे भी शनिदेवता प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए राजा विक्रमादित्य की कथा सुननी चाहिए और नल दमयंती की कथा सुनने से भी शनिदेव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो शनिदेव जी के ऊपर तेल चढ़ाने से, शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाने से, सरसों का तेल चढ़ाने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं। तो अन्य उपायों से भी शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है, जैसे तुला दान करना, अपने वजन के बराबर अनाज दान करना, सतनाजा दान करना, काला वस्त्र दान करना और शनि की वस्तुओं को भी दान किया जा सकता है, जैसे काले महा, सरसों तेल, कुल्थी की दाल, काला फूल, इन वस्तुओं को शनि की प्रसन्नता के निमित्त काले कपड़े में बांधकर शनिवार को दान करना चाहिए। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए और अन्य ग्रहों संबंधी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। शनि देवता आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को स्वास्थ्य प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।